राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका किचन वर्ल्ड वाइड कृतिका में। और आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं जैक फ्रूट यानी कि कटहल। कटहल की सब्जी तो आप अपने तरीके से बनाते ही होंगे, सभी अपनी अपनी तरह से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना तो दो की जगह चार रोटियां खा जाएंगे। सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये कटहल की सब्जी। तो आज हम यहाँ पर ग्रेवी वाली नहीं, यहाँ पर सूखी सब्जी बनाने वाले हैं कटहल की, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बढ़ते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की ओर। तो मैंने यह कटहल को इस तरह से छोटा 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 कट कर लिया है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, पर इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो अपने हाथों पर अच्छे से तेल लगा लीजिएगा और इस तरह से छोटा छोटा कट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कटहल छोटा हो, कच्चा हो, जिससे आपको इसके बीज निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक प्यूरी बनाई है, सिंपल प्यूरी है। हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के टमाटर, एक छोटी हरी मिर्च और एक इंच का अदरक का टुकड़ा, इन सबको हमने अच्छे से पीस लिया है। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की ओर। तो मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है और इसमें डाल लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच सरसों के तेल का यूज़ किया है। गर्म होने पर इसमें डालेंगे हम यहाँ पर जीरा आधी छोटी चम्मच के लगभग, दो लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज पत्ता। तो बेसिक से हमें यहाँ पर खड़े मसाले लेने हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। चुटकी भर हींग डालेंगे और जो हमने इसमें प्यूरी बनाई थी वो डाल देते हैं। प्यूरी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक से मसालों के संग अपनी कटहल की सब्जी को बनाएंगे, जो आपकी किचन में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हर सब्जी में ढेर सारे मसाले मिलाए ही जाएँ। तो थोड़ा भून जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच और साथ ही मिला देंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में हमारी जो ग्रेवी है, जो प्यूरी है, वो अच्छे से भुन जाएगी। जैसे ही तेल छोड़ना स्टार्ट कर दे ग्रेवी, इसका मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी कटहल और कटहल के साथ ही हम इसमें मिला देंगे नमक। तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नमक ऐड कर दीजिए और इसे कर दीजिए अच्छे से मिक्स। गैस की फ्लेम को इस समय हम स्लो रखेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं जल ना जाएं। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है और इसे हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, लगभग आधी छोटी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ उसमें, और फिर हम इसको कर देंगे कवर। गैस की फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक होने देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट में आपके कटहल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें फिर हम मसाले ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर डालेंगे हम अमचूर पाउडर। तो खटाई आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें और थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला पाउडर और इसी के संग यहाँ पर चॉप्ड की हुई ग्रीन चिली और कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मेरा फेवरेट है। और फिर हम सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करते ही आपके मुँह में आने लगेगा पानी, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी दिखने में ही कि आपको इसे झटपट खा जाने का मन करेगा। ये ना कटहल की सब्जी इस तरह से बनी हुई मुझे बिल्कुल चाइनीज़ वाला लुक देती है, जैसे कि हम किसी चाइनीज़ डिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये तैयार है एकदम, इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। तो ये कटहल की सब्जी बनकर रेडी है, इसे आप एंजॉय कर सकते हैं चपाती के संग, रोटी, पराठे, पूड़ी, किसी के भी संग। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। एक बार इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, साथ ही बड़े भी खूब इंजॉय करके खाएंगे। यकीन मानिए, आपने जितने भी तरह की कटहल की सब्जी देखी होंगी या बनाई होंगी, उनमें सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का ये, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरह से बनाते हैं। तो फिर ज़रूर बनाएं और ज़रूर इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के संग। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक खाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।